नमस्ते मास्टर जी। अरे नमस्ते वनवारी, आओ आओ बैठो। भाई बड़े दिनों बाद काम धाम आगे बढ़ा? हाँ, लेकिन उतना नहीं, सोचा कुछ सलाह मदद लूं। हाँ भाई क्यों नहीं, आखिर बचपन के दोस्त किस काम के, बताओ ना। कुछ परेशानी है क्या? क्या बताऊं, हर बार जरूरत पड़ने पर सूद पर पैसा लेता हूँ। हाँ। लेकिन सूद कभी चुकता ही नहीं। हाँ। मुसीबत बन जाता है। कहते हैं ना, मिट जाए वजूद पर मिटे न भैया सूद। दरअसल मुसीबत की वजह पैसा लेना नहीं है, मुसीबत की वजह है गलत जगह से पैसा लेना। कैसे? अगर पैसा सूद पर लोगे तो देने वाला सूद की दर तुम्हारी मजबूरी के हिसाब से लेगा, जितनी ज्यादा मजबूरी और तुम्हें पैसे की जितनी जल्दी होगी, सूद की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ। पर क्या करें, कोई और रास्ता भी तो नहीं? रास्ता है वो। अगर बैंक से पैसा लोगे तो ये मुसीबत नहीं आएगी। भाई ये बैंक की बातें हमें समझ नहीं आती। लेकिन खुश रहने के लिए ये बातें जाननी और सीखनी तो पड़ेंगी ही ना। अब इस उम्र में कौन जाने कैसे सीखे। लेकिन अगर सूद के झंझट से पाना है छुटकारा तो फिर खेलना होगा एक खेल निराला, धनचायत। धनचायत? हाँ, धनचायत मतलब धन की पंचायत, जिसमें खेल खेल में सिखाएं भी समझाएं भी, पैसे कैसे पाएं बचाएं और बढ़ाएं भी। मतलब पैसे की पंचायत? हाँ, धनचायत करेगी फैसला बैंक या कहीं और से पैसा लेने का कौन सा रास्ता है सबसे आसान, सच्चा और अच्छा। तब तो जरूर खेलेंगे ये खेल, चाहे फिर से बनना पड़े बच्चा। तो बनवारी इतवार को मिलते हैं उस पंचायती पेड़ के नीचे, बस फोटो और पते के कागज ले आना। जी। आ तो। नमस्ते नमस्ते। अब शुरू होती है धन चायत, मतलब धन की पंचायत, जो करेगी फैसला पैसे के हिसाब किताब और लेन देन के मामले में, कौन है सबसे सच्चा सबसे अच्छा। सच? तो अब चलो तुम पैसे लेने पहले इनके पास जाओ। हुजूर। फिर आ गया, पिछले वाला चुकाया नहीं, नया लेने आ गया है? हुजूर सूद कभी चुकता है क्या? 50,000 चाहिए। पर ये तो कम है। कुछ महीनों का सूद मैंने पहले काट लिया। चल अंगूठा लगा। लगा? नहीं चाहिए। आई? अच्छा तो चलो अब तुम बैंक के पास जाओ। तुम सब लोग ध्यान से देखना क्या है बैंक और औरों में अंतर। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए 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 ना। देखो कितनी इज्जत दे रहा है वो। बताइए। 50,000 की जरूरत थी। कितना सूद लगेगा, 2 या 3% महीना? जो पहले से निश्चित है वही लगेगा, वो भी सालाना और बहुत कम। पर खाता नहीं है हमारा। खाता खुलवाना 2 मिनट का काम है, फोटो पते के कागज हैं या आधार कार्ड? हाँ ये लीजिए। खाता खुलवाने के हैं बड़े फायदे, इससे पैसे बचाने की आदत भी पड़ेगी और बचे पैसे रखने की जगह भी मिलेगी। बैंक में रखे पैसे पर मिलेगा ब्याज, जिससे जमा पूंजी भी बढ़ेगी और खुद को अपने पैसे की ताकत भी मिलेगी। हाँ। और कभी अचानक तुरंत जरूरत पड़ जाए तो?
दिन हो या रात, कभी भी पैसे की जरूरत में अब ना होना परेशान, क्योंकि कार्ड से, पास के एटीएम या बैंक मित्र से कभी भी अपना पैसा पाना हुआ आसान। और साथ ही बिना बैंक जाए कितना पैसा है खाते में एसएमएस से पता कर लेना, बस मोबाइल से एक मिस कॉल कर देना। वाह वाह, क्या बात मतलब है। खाता खोलो चुटकी में और बैंक आपकी मुट्ठी में। सही कहा बोले। लेकिन कर्ज मिलेगा? बिल्कुल, अगर आप में कर्ज उठाने और चुकाने की ताकत है तो क्यों नहीं, आप जो दूसरों के पास रखते आए हैं वही हमारे पास रख देना। क्या बात। लेकिन कर्ज लेने के लिए बीच में कितना देना होगा और कितना कट के मिलेगा? यहाँ किसी को कुछ नहीं देना पड़ता, पूरा पैसा है मिलता। अरे वाह, खत्म हुआ बिचौलियों का किस्सा, न कटे बीच में किसी का हिस्सा। अब जब सीधे मिले हैं पूरा पैसा तो बीच में किसी को देना कैसा है? मतलब बिचौलिए बिन स्वच्छ ऋण। हाँ, और जैसा कहा, बैंक से मिलता है बड़ी आसानी बिन बिचौलिए सस्ता ऋण। काम पे जाना हो या काम को बढ़ाना हो या फिर कहीं घूम के आना हो, अगर लेनी है दो पहिया गाड़ी तो बैंक का लोन ही है सबसे तेज सबसे सच्चा। खेती बाड़ी के काम, फल फूल के बाग बगीचे या बागान, या ट्रैक्टर, फसल, डेयरी, मछली मुर्गी पालन और खेती के सामान, सबके लिए बैंक से ऋण लेना है बहुत आसान। काम कारोबार सबके खातिर बैंक से बड़ी आसानी से मिलता है साफ सुथरा, झटपट, बिन बिचौलिए और ब्याज की कम से कम दर पर पैसा, तो फिर किसी और के पास जाना कैसा? एक मिनट। मतलब बैंक का होता है साफ सुथरा कामकाज और साफ सुथरा कागजात है, और कम दर पर कर्ज भी मिलना आसान है। ओए, और ये तो हुआ सोने पे सुहागे वाला काम। सही कहा बोले राम। अरे सोने पे सुहागा से याद आया, अगर थोड़ा भी है सोना पास तब तो चिंता की कोई ना बात, घर में बेकार रखे सोने को बैंक में रख के पैसा लेना अच्छा, काम भी हो तुरंत और सोने को मिले घर से ज्यादा बैंक की सुरक्षा। तो धन चाय से आई सबको बैंक के स्वच्छ कामकाज की समझ, और पता चला कि बैंक का ही ऋण होता है सबसे सस्ता, सरल, स्वच्छ। लेकिन ये भी रखना याद कि अपनी नीयत रखना साफ, ऋण के पैसे फिजूल खर्ची में ना उड़ाना, अपने काम में लगाना और अपना काम बढ़ाना, फिर खूब पैसा कमाना और समय पर लोन चुकाना, समय पे चुकाना लोन, खूब अच्छा नाम बनाना और फिर से बैंक से लोन पाना, फिर अपना काम और बढ़ाना, खुशहाली घर ले आना, तो क्या समझे? बैंक सच्चा सबसे अच्छा। अब हम सब भी खोलेंगे खाता और तरक्की से जोड़ेंगे नाता। तो जब हो पैसा रखना या पाना, कहीं और नहीं सिर्फ बैंक ही जाना, सस्ता सरल स्वच्छ ऋण तुरंत पाना। तो अब जब भी पड़े पैसे का काम, याद रखना बैंक ही है सबसे आसान, ईमानदारी है जिसकी पहचान।